सच्चिदानंद रूपाय। मेरे संग बोलो, बोलो सच्चिदानंद रूपाय। जो हम बोलेंगे उसको दोहराइएगा, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। क्या अर्थ हुआ इसका? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद ईश्वर के, ये ईश्वर का परिचय है। ये भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान, कोई आपसे पूछे कि भगवान कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ईश्वर कैसे कैसे हैं? सत चित आनंद, जो सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। संधि विच्छेद करेंगे तो तीनों अलग हो जाएंगे, और अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? विश्वोत्पत्तिया, विश्वोत्पत्तिया मतलब विश्व की उत्पत्ति प्लस पालन प्लस संहार बराबर विश्वोत्पत्तियादि है। तभी तापत्रय, तापत्रय मतलब तीन प्रकार के ताप, ताप मीन्स दुख, दैहिक, दैहिक प्लस दैविक प्लस भौतिक बराबर तापत्रय। विनाशाय, जो इन दुखों का नाश कर दे, ऐसे श्री कृष्णाय, श्री मतलब राधा सहित कृष्ण को, वयम मतलब हम सब, नुमह मतलब उन्हें नमस्कार करते हैं। किनको नमस्कार करते हैं? सत्चित आनंद। हम किसे, हम किसको नमस्कार करते हैं? सच्चिदानंद को। अब ये सच्चिदानंद कौन है? सत्य, सत्य क्या है भैया बताओ, सत्य क्या है? अच्छा बताओ, सत्य क्या है? अच्छा चलो एक प्रश्न वो पूछ रहा हूं, उत्तर देना। ये कहां सत्य की खोज में चली मैया? रो रहा, अच्छा उस तरफ जाओ, चुप कराओ, अच्छा उस तरफ जाओ। अच्छा ये बताओ, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? एक पहेली पूछ रहा हूं, टेंशन लेने का नहीं। एक पहेली मैंने बचपन में सुनी थी अपनी मौसी से। मेरी मौसी बहुत पूछा करती थी मेरे से, और मैं खोज खोज के लाया करता था मौसी को उत्तर देने के लिए। मौसी की एक पहेली मैंने आपसे पूछ ली है, फटाफट उत्तर दो, फिर मैं आपको कथा में प्रवेश कराऊं। प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर दो, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? प्रश्न पूछता हूं बेटा, ये बोलागा मेरा भैया, तू बोल भैया, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है बोल। ये सब नहीं बोलेंगे, टुप ही रहो। हाँ, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। उत्तर एक बार मैंने एक सवाल कर दिया, कर लिया तो एक घड़ी तक बोले मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला कि भाई पहली पूछी कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। बोला मैं तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा टेंशन लेने मत भाई, ये पहेलियां हैं, इतना डीप मत चला जा। बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? हाँ बहुत सिंपल है, पहेलियों को पहेली की तरह लो, एंजॉय करो, आनंद लो, टेंशन लेने का नहीं। तो हंसते हंसते ही सुनना है सब बातें। अब हम चलते हैं मैन, बताइए सत्य क्या है? अब हम रियल प्रश्न कर रहे हैं जो शास्त्रों का है। सत्य क्या है ये भैया बताएंगे, सत्य क्या है? हाँ मैया बताओ। हाँ, जो दिखता है, जो नित्य है वो सत्य है। तो नित्य क्या, वही तो पूछ रहे हैं। आप नित्य हो? हाँ बोलो, बैठे बैठे बोलो, क्यों कष्ट करना? जो बदल जाए, जो ना बदले वो सत्य है। ये मैया बताओ, आप सत्य क्या है? बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो। ईश्वर सत्य। हाँ ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर, भगवान। भगवान ही सत्य है। हम सब कौन है? हम सब कौन है? झूठ।
हम परिवर्तनशील हैं इसलिए झूठे हैं, ईश्वर नित्य है परिवर्तन नहीं होता इसलिए सत्य है। इसलिए झूठे संसार से मन हटाओ, सच्चे भगवान में मन लगाओ। सत चित, चित मीन्स प्रकाश, सब में ईश्वर है। ऐसे भगवान को जो सत्य चित आनंद के सागर है, भगवान का नाम है आनंद।